Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, guys. We are at Youth Club Football Academy in Islamabad, E11 branch. And hum yahan pe abhi bachchon ka football jo hai wo dekhte hain. To hamare sath yahan pe tuha bin jalil bhi hai ji, aur wo apne phone pe kuch kar rahe hain, dekhte hain ki wo kya kar rahe hain. Kya ho raha hai ji? Main bhi Instagram pe go through kar raha tha, kuch questions aaye hue the, unko padh raha tha. Koi random question kholta hu. Inhone pucha hua hai ki waswase ka ilaaj kya hai, aur mujhe namaz mein aur general life mein bahut waswase aate hain. नमाज में, इबादत में और वैसे जनरल इन लाइफ में वसवसों के बारे में. शैतान लोगों को आजकल बहुत लोगों के माइंड से प्ले कर रहा है. सो आई थॉट टू शेयर सम एडवाइसेस विद यू. पहली बात तो यह है कि ये बात जान लें कि वसवसे हमें क्यों आते हैं. उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमसे जो गुनाह हो रहे होते हैं ना, जितना इंसान गुनाह ज़्यादा करता है उतना ही ज़्यादा जो शैतान है या शयातीन उस पर हावी होते जाते हैं. ठीक है, हर इंसान के साथ एक कारीन है और कारीन उसका उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है जितना हम गुनाह ज़्यादा करते जाते हैं. सो द पॉइंट इज़, जितना इंसान गुनाहों में बढ़ता जाएगा उसका जो कारीन है उस पर हावी होता जाएगा और वो गुनाहों पर उसको उभारेगा. सो पहली बात, अपने गुनाहों को छोड़ दें. अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कारीन उन पर वाज़ेह हो गया किसी शेप में, तो इट वाज़ वेरी वीक एंड मीक. तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं आपका कारीन हूँ. और उन्होंने कहा तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है? तो उसने कहा कि आपके नेक आमाल ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया. सो जितना इंसान गुनाह करता जाएगा उतने काले धब्बे उसके दिल में पड़ते जाते हैं और वो वीक होता जाता है और उसका कारीन स्ट्रांग होता जाता है. और फिर हत्ता के कारीन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको हुक्म देता है, वह अमरुकुम बिल फाहशा, हुक्म देता है कि तुम ये गुनाह करो, ये फोश काम करो, और फिर इंसान उसके ताबे होता जाता है. दूसरी चीज़, कुरान में आता है वह इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतान नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाह. जब भी शैतान का विस्पर आपको आए तो आप क्या करो? फस्तईज़ बिल्लाह, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो बहुत सुनने और जानने वाला है. तो जब भी शैतान का वसवसा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें. जैसे यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या किया था, जब उसको औरत ने दावत दी उनको अलैहिस्सलाम, फौरन से कहा मआज़ल्लाह, अल्लाह ताला को याद किया. तो जब भी कोई शैतान हमला करे तो जान लें कि शैतान का वसवसा है और अल्लाह ताला की पनाह मांगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. इसी वजह से जब हम कुरान खोलते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं फ़ाइज़ा क़रातल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान खोल के पढ़ने लगो तब शैतान से पनाह में आ जाओ ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ इस चीज़ से. किसी एडवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी शैतान वसवसे दे या इंसान को हावी होने की कोशिश करे, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि बल्कि सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह, हमें ख्याल आता है कि हमारे बाप किसने मनाया, दादा को किसने मनाया, परदादा को किसने मनाया, और फिर करते करते अल्लाह को किसने मनाया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये ख्याल आता है. तो अल्लाह के ने कहा कि तुम्हें ख्याल आता है? उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह. उन्होंने कहा ये ईमान की निशानी है. और फिर कहा कि तुम पढ़ो आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, कि मैं अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ले आया, यानी अपने ईमान को फर्म करो. तो से सम कलिमात लाइक आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह मैं आप पे ईमान लेके आया और आपके रसूल पे ईमान लेके आया. नाउ द पॉइंट इज, शैतान हमें वसवसे दे रहा होता है कि तुम्हें किसने बनाया, फलाँ किसने बनाया. एक बात जान लें कि जो वसवसे हैं ना, ये शैतान की तरफ से हैं, और जिस इंसान को ये वसवसे आ रहे हैं ये ईमान की निशानी है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया. तो ये ईमान की निशानी है कि हमें वसवसों का आना, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? अपने ईमान को स्ट्रेंथन करना चाहिए बाय सेइंग आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, और उम्मत मुहम्मदिया पे जो वसवसे हैं इनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया. सो इस बारे में परेशान ना हो कि जो वसवसे मुझे आ रहे हैं, ये जो ख्याल आ रहे हैं, कहीं मैं काफिर तो नहीं हो गया, कहीं मैं दीन से खारिज तो नहीं हो गया. नहीं, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है. जब तक इंसान उस पर अमल नहीं करता, उस पर एक्शन नहीं करता, तब तक इंसान को उससे कोई गुनाह नहीं है. और इंशाल्लाह शैतान की पनाह में, पनाह लेके अल्लाह ताला से इस चीज़ हमें बचना चाहिए. बारकल्लाहु फीकुम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.